देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के पूर्व मालिक सर रतन टाटा अब हमारे बीच नहीं रहे। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। उनकी सादगी और देश प्रेम की कहानियां तो बच्चे बच्चे की जुबान पर है। नई पीढ़ी के लोगों के लिए सर रतन टाटा एक आदर्श है। उनके जाने के बाद ये सवाल उठ रहा है कि उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। रतन टाटा की गिनती सबसे सफल बिजनेसमैन की लिस्ट में की जाती है। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप ने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपना डंका बजाया। समूह की 100 से ज्यादा लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनियां हैं। जिसका कुल कारोबार करीब 300 अरब डॉलर का है। भारतीय रुपयों में यह करीब 3,800 करोड़ रुपए की नेटवर्थ है। रतन टाटा अपनी दरिया दिली के लिए जाने जाते थे। रतन टाटा की कंपनी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा दान में जाता था। टाटा अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा टाटा ट्रस्ट में दान कर दिया करते थे। ये दान टाटा ट्रस्ट होल्डिंग कंपनी के तहत फर्मों द्वारा की गई कुल कमाई का 66% योगदान देता है। देश में कोरोना महामारी हो या फिर कोई आपदा, टाटा ग्रुप मदद के लिए सबसे आगे रहा है। आर्थिक तंगी से जूझने वाले छात्रों की भी मदद के लिए ये ट्रस्ट हमेशा आगे रहता है। रतन टाटा अपनी कंपनियों की कमाई खुद लेने की बजाय ट्रस्ट के जरिए देश और देशवासियों पर खर्च करते थे। टाटा समूह की मार्केट कैप बहुत बड़ी है। आज इसके तहत 29 लिस्टेड कंपनियां आती हैं। लिस्टेड कंपनियां जो कि शेयर बाजार में सूचीबद्ध हो चुकी हैं। इन सभी 29 कंपनियों का कुल मार्केट कैप देखें तो 20 अगस्त 2024 तक करीब 403 अरब डॉलर यानी करीब 33.7 लाख करोड़ रुपए की है।